यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना से ऐसे बदलती इन महिलाओं की जिंदगी, मिसाल है इनकी कहानी महू। आज मोदी सरकार अंतरिम बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो योजना लागू करेगी। इस योजना की नींव इंदौर जिले में ही रखी गई थी। वर्ष 2011-12 में यूनिसेफ और सेवा की मध्य प्रदेश इकाई ने 22 गांवों में सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयोग किया था। करीब 20 लाख रुपए खर्च कर 3 चरणों में सर्वे किया गया था। प्रारंभिक सर्वे के बाद 8 गांवों में 6012 लोगों को 1.5 साल तक बुनियादी सुरक्षा राशि दी गई। इसका ग्रामीणों ने किस तरह उपयोग किया इसे लेकर अंतिम सर्वे किया गया। इन 8 गांवों में से एक महू के आदिवासी गांव घोड़ाखुर्द से ग्राउंड रिपोर्ट। इंदौर से करीब 70 किलोमीटर दूर घोड़ाखुर्द गांव के 130 परिवारों को बुनियादी सुरक्षा राशि देने के लिए चुना गया था। यहां अधिकांश ग्रामीण खेतों में मजदूरी करते हैं। 12 माह तक हर वयस्क के खाते में 200 और बच्चों को 100 रुपए राशि प्रति माह दी जाती थी। शुरुआत में 20 गांव चुने गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर इसमें 2 आदिवासी गांवों को भी जोड़ा गया था। गांव की राधाबाई बताती है कि उनके परिवार में 5 सदस्यों को इसका लाभ मिला था। इन रुपयों से राधाबाई ने कुछ बकरियां खरीदी थी। पहले उनकी बेटी स्कूल के साथ खेतों पर मजदूरी करने भी जाती थी, लेकिन योजना के बाद से बेटी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी है। प्रयोग बंद होने के बाद बेटी को स्कूल के साथ दोबारा मजदूरी शुरू करनी पड़ी। इसी तरह तुलसाबाई ने उस समय बचत कर 2 भैंसे और खरीद लिए थे। इससे मावे का व्यापार चल पड़ा। वही कुछ महिलाओं ने सिलाई मशीन खरीदी तो कुछ ने मछली पालन के लिए सहकारी संस्था बना ली। शारदाबाई और भाव सिंह जैसे ग्रामीण बताते हैं कि जब पैसे मिलते थे तो 1.5 साल तक जीवन आसान हो गया था, लेकिन अब वे सिर्फ मजदूरी पर ही निर्भर है। हालांकि संस्था द्वारा अभी भी उन्हें छोटे कर्ज दिए जाते हैं, जिससे साहूकारों के पास कम जाना पड़ता है। युवा मनीष डाबर बताते हैं कि आज गांव की आबादी करीब 700 है। इनमें 100 से अधिक बेरोजगार है। इनमें आधे से अधिक युवा है। बाल मजदूरी में कमी आई थी, महिलाएं इलाज ले रही थी, बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी थी। सर्वे के निष्कर्ष: गांवों में शिक्षा पर खर्च बढ़ा, ग्रामीणों की घरेलू आय बढ़ी, भोजन की पर्याप्तता हुई, साहूकारों पर निर्भरता घटी, व्यावसायिक गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तन, 54% लोगों में स्वास्थ्य खर्च वहन करने की क्षमता बढ़ी। 5 तत्वों पर आधारित है। यदि यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुरू की जाती है तो इसमें 5 तत्व होने जरूरी है। ये है व्यापक बिना शर्त, व्यक्तिगत, प्रतिमाह और नगद। यदि इनके आधार पर न्यूनतम आय दी जाती है तो यह सबसे बेहतर होगा। घोड़ाखुर्द इसका उदाहरण है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।